हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग हमारे पाठ पुस्तक का जो 5 चैप्टर है रोज, उसका BBI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हमारा जो 5 चैप्टर है रोज। ठीक है, तो इसका अब हम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है नामवर सिंह, सेकेंड ऑप्शन है अगे, थर्ड ऑप्शन है मोहन राकेश और फोर्थ ऑप्शन है उदय प्रकाश। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अगे। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी के जो लेखक है वो अगे है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगे का जन्म कब हुआ था? ठीक है, अगे का जन्म कब हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 18 मार्च 1912 को, सेकेंड ऑप्शन है 7 मार्च 1911 को, थर्ड ऑप्शन है 23 अप्रैल 1911 को और फोर्थ ऑप्शन है 25 मई 1913 को। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो है 7 मार्च 1911 को अगे का जन्म हुआ था। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अब अगे का निधन कब हुआ था? ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है 5 अप्रैल 1988, सेकेंड ऑप्शन है 4 अप्रैल 1987, थर्ड ऑप्शन है 4 मई 1987 और इसका फोर्थ ऑप्शन दिया गया है 5 मई 1988। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 4 अप्रैल 1987। ठीक है, यहाँ हम फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। अगे का जन्म स्थान कहाँ है? उन्होंने कहाँ पे जन्म लिया? तो ये फर्स्ट ऑप्शन है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन सिमरिया बेगूसराय बिहार और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उनका जो जन्म स्थान है वो है कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य हो गया। ठीक है, और ये यहाँ जिला है और ये जो है उस जगह का नाम है। ठीक है, कसैया कुशीनगर उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, अगे का निवास स्थान यानी मूल निवास कहाँ था? ठीक है, वो रहते कहाँ थे? उनका जो जन्म स्थान था वो तो उत्तर प्रदेश था, कुशीनगर उत्तर प्रदेश, लेकिन वो रहते कहाँ थे? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है करतारपुर पंजाब, सेकेंड ऑप्शन है बेगूसराय बिहार, थर्ड ऑप्शन है कुशीनगर उत्तर प्रदेश और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये तो उनका जन्म स्थान है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि उनका निवास स्थान कहाँ था। तो उनका निवास स्थान जो है वो है करतारपुर पंजाब। ठीक है, उन्होंने कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जन्म लिया था और वो निवासी कहाँ के थे? उनका मूल निवास था करतारपुर पंजाब। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन है, अगे की माँ का क्या नाम था? उनकी माता जी का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन साली देवी, सेकेंड ऑप्शन बेयंती देवी, थर्ड ऑप्शन है राधा देवी और फोर्थ ऑप्शन है शकुंतला देवी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है व्यंती देवी। अगे की माँ का क्या नाम था? व्यंती देवी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, अगे के पिता का क्या नाम था? ठीक है, अगे के पिताजी का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन सुखदेव शास्त्री, सेकेंड ऑप्शन महेश शास्त्री, थर्ड ऑप्शन है हीरानंद शास्त्री और फोर्थ ऑप्शन है सुरेश शास्त्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके पिताजी का जो नाम था वो था हीरानंद शास्त्री। ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, मतलब
मतलब प्राचीन सभ्यता संस्कृति जो थी उनमें जो तत्व थे उनकी जानकारी रखने वाले, ठीक है। हीरानंद शास्त्री जो थे क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञे के पिताजी का नाम हीरानंद शास्त्री और वे थे प्रख्यात पुरातत्ववेता। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे इसका अर्थ मैं बता दूँ, प्राचीन सभ्यता संस्कृति के तत्वों के बारे में जानकारी रखने वाले, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होइएगा पुरातत्ववेता का क्या अर्थ होता है, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो है, अज्ञे जी ने इंटर कहाँ से किया था, ठीक है। उन्होंने इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम किस विद्यालय से दिया था। तो यहाँ पे है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज, सेकेंड है पंजाब कॉलेज से, थर्ड ऑप्शन है फॉर्मिन कॉलेज से और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, ठीक है। अब हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञे जी ने किन क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल की थी, ठीक है। उनका किन क्षेत्रों में, किन सब्जेक्ट में उनका नॉलेज ज़्यादा था, उनको प्रसिद्धि प्राप्त थी। तो यहाँ पे देखेंगे केवल फोटोग्राफी में, दूसरा है केवल शिल्प में, तीसरा है केवल हस्तकला में और फोर्थ है फोटोग्राफी शिल्प और हस्तकला सभी में, ठीक है। यहाँ ऑप्शन दे सकता है उपर्युक्त तीनों में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या है, फोटोग्राफी शिल्प और हस्तकला सभी में, ठीक है। उन्होंने इन सभी क्षेत्रों में प्रवीणता हासिल की थी। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं मिला था है, ठीक है, नहीं मिला था। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है साहित्य अकादमी पुरस्कार, सेकंड ऑप्शन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, थर्ड ऑप्शन है यूगोस्लाविया का स्वर्ण माल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और फोर्थ ऑप्शन है भारत रत्न, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑप्शन, उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था और साथ में यूगोस्लाविया का स्वर्णमाल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें दिया गया था, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार उन्हें नहीं मिला था। इलेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अज्ञे जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था, जब वो कितने बड़े थे तब उन्होंने पहला कविता लिखा, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 10 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 12 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 13 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 14 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 10 वर्ष, ठीक है। उन्होंने 10 वर्ष की अवस्था में ही कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, अज्ञे जी ने घर में किस हस्तलिखित, यहाँ पे ये नहीं है, किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया, ठीक है। किस हस्तलिखित मतलब हाथ से लिखा हुआ पत्रिका का संपादन किया था, जो खुद से लिखे थे अपने हाथों से। तो यहाँ पे है फर्स्ट लोकबंधु, सेकेंड ऑप्शन है आनंद बंधु, थर्ड ऑप्शन है देश बंधु और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आनंद बंधु, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, अज्ञे जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, यहाँ पे पत्रिका अशुद्ध लिखा गया है, ऐसे होगा, ठीक है।
अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे प्रभा में, सेकंड ऑप्शन है ज्योति में, थर्ड ऑप्शन है पत्रिका सेवा, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें कोई नहीं। तो उनकी जो पहली कहानी प्रकाशित हुई थी वो पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, तार सप्तक का 40 नंबर क्वेश्चन है, तार सप्तक का संपादक कौन है? ठीक है, उसका संपादन किसने किया है तार सप्तक का? तो फर्स्ट है हमारा ऑप्शन विधि निवास मित्र, सेकंड ऑप्शन है धर्मवीर भारती, थर्ड ऑप्शन है कन्हैया लाल नंदन, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय। ठीक है, ये अज्ञेय का पूरा नाम है। ये क्वेश्चन भी आता है कि अज्ञेय का पूरा नाम क्या था। ठीक है, तो वो क्या था? सच्चिदानंद हीरानंद बादश्यान अज्ञेय। तो तार सप्तक का संपादन किसने किया था? अज्ञेय ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, दूसरा सप्तक। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। उन्होंने जो प्रकाशन किया था सप्तक का, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, ठीक है, तीसरा सप्तक, तो इसमें पूछ रहा है दूसरा सप्तक का। ठीक है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका है 1950, सेकेंड ऑप्शन है 1951, थर्ड ऑप्शन है 1954, और फोर्थ ऑप्शन है 1941। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1951। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन है, नदी के द्वीप अज्ञेय की कौन सी रचना है? ये द्वीप सही होगा, शुद्ध होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे नदी के द्वीप अज्ञेय की किस विधा की रचना है, क्या है? ठीक है, इसका जो रचना किए हुए हैं वो अज्ञेय ही किए हुए हैं, तो क्या है आखिरकार में? तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन नाटक, सेकंड ऑप्शन है कहानी, थर्ड ऑप्शन है उपन्यास, और फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपन्यास। नदी के द्वीप क्या है? उपन्यास है। 70 नंबर क्वेश्चन, शिखर एक जीवनी, जो अज्ञेय जी की ही कृति है, शिखर एक जीवनी किस विधा की कृति है? ठीक है, तो फर्स्ट देखेंगे निबंध, सेकंड ऑप्शन है कहानी, थर्ड ऑप्शन है उपन्यास, और फोर्थ ऑप्शन है जीवनी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। शिखर एक जीवनी क्या है? उपन्यास है। और ये किसकी कृति है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो ये अज्ञेय की कृति है। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, उत्तर प्रियदर्शी अज्ञेय की किस विधा की रचना है? इसके रचनाकार, उत्तर प्रियदर्शी के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है। तो यहां पे पूछ रहा है किस विधा की रचना है, क्या है वो? तो फर्स्ट ऑप्शन निबंध, सेकंड ऑप्शन उपन्यास, थर्ड ऑप्शन जीवनी, और फोर्थ ऑप्शन क्या है? नाटक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? नाटक। उत्तर प्रियदर्शी क्या है? नाटक है। हमारा 90 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे, कौन सी रचना, ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय की नहीं, इसमें पूछ रहा है नहीं है, ये नहीं कि अज्ञेय की रचना है, नहीं है। तो देखेंगे यहाँ पे हमारा फर्स्ट ऑप्शन अपने अपने अजनबी, सेकेंड ऑप्शन है भग्न दूत, थर्ड ऑप्शन है एक बूंद सहसा उछली, और फोर्थ ऑप्शन है तिरिच। तो आपको पता होगा अपने अपने अजनबी उन्होंने ही लिखा है, भगनदूत भी उनकी ही रचना है, और एक बूंद सहसा उछली ये भी उन्होंने ही लिखा है। तो ये जो तिरिच है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, तिरिच उन्होंने नहीं लिखा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद क्या है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट निबंध, सेकंड है कविता, थर्ड है यात्रा साहित्य, और फोर्थ है
कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे अड़े यायावर रहेगा यार यात्रा साहित्य है। ट्वेंटी वन नंबर क्वेश्चन, रविंद्रनाथ ठाकुर के गोड़ा का हिंदी अनुवाद किसने किया था, ठीक है। गोड़ा ये रविंद्रनाथ ठाकुर का उपन्यास है, ठीक है। तो वो दूसरी भाषा में थी तो उसका हिंदी जो अनुवाद, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसका हिंदी अनुवाद किसने किया था। तो यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन है प्रेमचंद, सेकंड ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है अज्ञे और फोर्थ ऑप्शन है दिनकर, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञे। 22 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी का शीर्षक क्या था, ठीक है। रोज जो कहानी है उसका शीर्षक परिवर्तित किया गया है, पहले उसका शीर्षक क्या था ये क्वेश्चन है। तो देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन गैंग्रीन, सेकंड ऑप्शन है उत्तर प्रियदर्शी, थर्ड ऑप्शन है भग्नदूत और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैंग्रीन। इस कहानी में गैंग्रीन एक बीमारी है उसका उल्लेख किया गया है। मालती जो इस कहानी की नायिका है उनके जो पति है वो गैंग्रीन का ही ऑपरेशन करके आए रहते हैं, ठीक है। तो इस कहानी का जो शीर्षक था क्या था, गैंग्रीन था। इसे बाद में रूज कर दिया गया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैंग्रीन होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन है, अगे किस बाद के कवि है। तो फर्स्ट देखेंगे ऑप्शन छायावाद, सेकंड ऑप्शन है प्रयोगवाद, थर्ड ऑप्शन है रहस्यवाद और फोर्थ ऑप्शन है स्वच्छतावाद, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगवाद, ठीक है। अगे किस बात के कवि है, प्रयोगवाद के। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारा, रोज कहानी की नायिका कौन है, ठीक है। एक्ट्रेस जो मेन किरदार में जो है लेडी, तो उनका क्या नाम है, नायिका पूछा हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट है मालती, सेकंड है कलावती, थर्ड है सुनीता और फोर्थ है रागनी, ठीक है। तो कहानी की जो नायिका है उनका नाम है मालती, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है, ठीक है। मालती से ही रिलेटेड होगा क्योंकि मालती के घर पे ही आया था। तो कौन आया था यहाँ पे हम देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन इसमें दिया है मालती का चाचा, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है मालती का मामा, थर्ड ऑप्शन है मालती के दूर के रिश्ते का भाई और फोर्थ ऑप्शन है मालती के पिता, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो कि लेखक थे, ठीक है, जो कि लेखक थे। यहाँ पे आपको दे सकता है ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन मालती का चाचा, सेकंड ऑप्शन मालती का मामा, थर्ड ऑप्शन में दे देगा लेखक और फोर्थ ऑप्शन में दे देगा मालती के पिता। तो लेखक इज द राइट आंसर, लेखक इसका सही आंसर हो जाएगा। और अभी यहाँ पे राइट आंसर है मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के साथ उनका भाई बहन वाला रिलेशन था, संबंध था। 26 लेखक मालती के यहाँ कैसे पहुँचा था, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है मोटर से, सेकंड ऑप्शन है साइकिल से, थर्ड ऑप्शन है बस से और फोर्थ ऑप्शन है पैदल, ठीक है। तो लेखक कैसे आए थे मालती के यहाँ, तो क्या वो मोटर से आए थे, नहीं ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वो साइकिल से भी नहीं आए थे, दरअसल वो पैदल आए हुए थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैदल। 27 नंबर क्वेश्चन, लेखक मालती के घर पहुंचने के लिए कितना पैदल चला था। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे है पैदल, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वो पैदल आए थे, ठीक है। और कितना दूर चलकर आए थे ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 15 मील, सेकंड ऑप्शन है 18 मील, थर्ड ऑप्शन है 20 मील और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 24 मील। तो लेखक ने जो दूरी तय किया था वो था 18 मील, ठीक है।
28 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मालती के शिशु का क्या नाम था? शिशु मतलब क्या होता है? बच्चा। तो मालती के शिशु का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है टीटी, दूसरा है रीटी, थर्ड ऑप्शन है सोनू और फोर्थ ऑप्शन है गोलू। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मालती के शिशु का क्या नाम था? टिट्टी था। जब लेखक पूछते हैं कि इसका क्या नाम है तो बताती है कि इसे हम लोग घर पे क्या बोलते हैं, टीटी ही कहते हैं। ट्वेंटी नाइन नंबर क्वेश्चन, मालती के पति पेशे से क्या थे, वो क्या करते थे? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर, सेकेंड ऑप्शन है वकील, थर्ड ऑप्शन है इंजीनियर और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षक। अभी जस्ट हमने कहा था कि वो गैंग्रीन का ऑपरेशन करके आए थे, तो ऑपरेशन कौन कर सकता है? डॉक्टर। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर। पेशे से क्या थे, वो डॉक्टर थे। थर्टीन नंबर क्वेश्चन है हमारा, मालती के पति का नाम क्या था? ठीक है, मालती के पति का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है महेश्वर, सेकंड ऑप्शन है सुरेश्वर, थर्ड ऑप्शन है मोहन और फोर्थ ऑप्शन है सुमन। तो मालती के पति का क्या नाम था? मालती के पति का नाम महेश्वर था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है क। थर्टी वन नंबर क्वेश्चन है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकंड ऑप्शन है केला, थर्ड ऑप्शन है सेब और फोर्थ ऑप्शन है संतरा। जब मालती कोई काम करती रहती है तो महेश्वर उसे कहते हैं अचानक से कि सुनो, वो हमने वो जो आम लाया था वो एक कागज़ में लपेट करके रखा हुआ है, उसे ले आओ, उसे भी धो लेना। तो वो कौन सा फल लेकर के आए हुए थे? वो आम लेकर के आए हुए थे। ठीक है, हमारा 32 नंबर क्वेश्चन है, गैंग्रीन क्या है? ठीक है, गैंग्रीन क्या है? हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने नहीं सुना हो गैंग्रीन। तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन पशु, सेकंड ऑप्शन देश, थर्ड ऑप्शन है वनस्पति और फोर्थ ऑप्शन है बीमारी। ठीक है, तो गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है जिसका ऑपरेशन महेश्वर करके आए हुए थे, वो एक डॉक्टर थे। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घ, बीमारी। अब है मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे, इसका चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। इसी के नाम पर इस कहानी का शीर्षक बनाया गया था, पहले गैंग्रीन, उसके बाद रोज कर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है पथरी, सेकेंड ऑप्शन है कैंसर, थर्ड ऑप्शन है गैंग्रीन और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, गैंग्रीन। 34 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे? फर्स्ट ऑप्शन है 2 वर्ष, सेकंड ऑप्शन है 4 वर्ष, थर्ड ऑप्शन है 5 वर्ष और फोर्थ ऑप्शन है 6 वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ठीक है, वो 4 वर्ष बाद मालती से मिलने आए थे, तभी उन्होंने कहा था कि कोई 4 वर्ष बाद ही मैं मिलने आया हूँ और इतना सा परिवर्तन को मालती में देखने को मिल रहा था। 35 नंबर क्वेश्चन है, रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? तो ये क्वेश्चन जो है, ये सवाल जो है वो मालती से किया गया था, और किया किसने था? तो यहाँ पे हम देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है लेखक ने, सेकंड ऑप्शन है चाचा ने, थर्ड ऑप्शन है पति ने और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक ने, जो कि उनके दूर के रिश्ते के भाई थे। तो यहाँ पे अगर ये भी ऑप्शन में डाला जाए कि मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ठीक है, तो वो राइट आंसर हो जाएगा और ये सब रॉन्ग ऑप्शन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क, लेखक ने। 36 नंबर क्वेश्चन, मालती का जीवन किस प्रकार से, यहाँ पे है
किस प्रकार से बहा जा रहा था, ठीक है। तो पहला है नियत गति से, दूसरा है तीव्र गति से, थर्ड है सामान्य गति से, और फोर्थ है धीमी गति से। यहाँ पे गति ऐसे होगा, ठीक है। तो मालती का जो जीवन था वो किस प्रकार बहा जा रहा था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नियत गति से, रोज का वही उठना और वही काम करना, और फिर उसी तरह उसका जो जीवनचर्या था सेम वही था, तो एक नियत तरीका से वो उबाऊ हो गई थी वहाँ पे रहते रहते, चिड़चिड़ा सी हो गई थी। तो उसका जो जीवन था वो किस गति से बहता जा रहा था, नियत गति से, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ था, कोई परिवर्तन उसे देखने को नहीं मिला था, वो वहाँ पे रहते रहते उबाऊ हो गई थी रोज एक ही काम करते करते। तो यहाँ पे हम देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन, रोज कहानी घंटे, रोज कहानी घंटे के किस घरकन के साथ समाप्त होती है, ठीक है। किस घरकन के साथ समाप्त होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 4, सेकेंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन 2, और फोर्थ ऑप्शन है 11। तो रोज कहानी जो है घंटे के 11 घरकन के साथ समाप्त होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अज्ञेय जी की कहानी रोज, अज्ञेय जी की कहानी जो है रोज किस कहानी संग्रह से गैंग्रीन नाम से छपी थी, ठीक है। हम लोगों ने तो ये जाना था कि रोज जो कहानी है वो गैंग्रीन नाम से पहले थी, बाद में उसे रोज नाम दे दिया गया, ठीक है, रोज शीर्षक दे दिया गया। तो पहले किस कहानी संग्रह में वो छपी थी गैंग्रीन नाम से, ये क्वेश्चन यहाँ पे किया जा रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है बिपथगा, सेकेंड ऑप्शन है निपथगा, थर्ड ऑप्शन है सुपथेगा, और इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बिपथका। बिपथका एक क्या है, एक कहानी संग्रह है, बिपथका क्या है, एक कहानी संग्रह है, ठीक है। इसी में ये कहानी छपी थी, किस नाम से छपी थी, गैंग्रीन नाम से छपी थी। गैंगरी नाम से छपी थी, ठीक है। तो हम लोग 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 39 नंबर क्वेश्चन है, रोज किस प्रकार की कहानी है, ठीक है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है ऐतिहासिक, क्या ये ऐतिहासिक कहानी है, क्या ये इतिहास से लिया गया है, नहीं। दूसरा है सामाजिक, थर्ड ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, और फोर्थ ऑप्शन है समस्यात्मक। तो ये जो कहानी है ये मनोवैज्ञानिक है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो मालती का जो मनोवैज्ञानिक मन की जो भावना है उसको व्यक्त किया गया है कि कैसे वो 4 साल में ही कितनी चिड़चिड़ी हो गई है रोज एक ही काम करते करते, ठीक है। एक प्रकार से वो मनोवैज्ञानिक कहानी है, इसमें उसकी भावनाओं को दर्शाया गया है मालती के। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक। तो आज ये हमारा 39 क्वेश्चन का सीरीज था, और हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे। ये 5 चैप्टर तक का, मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने अभी तक 5 चैप्टर तक का VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा है, VVI ऑब्जेक्टिव, और हम आगे भी ऐसे ही 6-7 चैप्टर का करते रहेंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज पे जा करके उसे प्राप्त कर सकते हैं, और आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।